आप अयोध्या से आए थे, आपने, मैंने बहुत पढ़ा कि आपने बोला कि आप सोलर पैनल लगाओगे 1 करोड़ घरों में। सर मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरा भी कार बिल्कुल सोलर पैनल में ही चलता है। देखिए जब मैं गुजरात में था, देश का पहला राज्य था जिसने सोलर पॉलिसी बनाई थी और हम चाहते थे कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा और गुजरात में सोलार के विषय में काफ़ी काम हुआ। आज देश में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, पूरे विश्व में भारत की इन दिनों तारीफ हो रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा स्कूल में आपके साथ मेरा एडिट फोटो है। हाँ सर, बहुत सारे लोग ये देखता है। यही बता रही है कि ये छोटी थी जब आपसे मिली थी डेफ ओलंपिक के समय, तभी से ये बहुत खुश है कि आगे भी आशीर्वाद पाना चाहती है। हाँ, अपने भारत के लिए ये नॉर्मल कैटेगरी में खेलना चाहती हैं और नॉर्मल बच्चों के साथ इनकी प्रैक्टिस भी होती है। 1000 बच्चे पढ़ा चुकी हो तो बच्चे परेशान भी तो करते होंगे तुम्हें। नहीं सर, वो तुमसे बड़े होंगे सब। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हाँ, लेकिन उनको अच्छा लगता है पढ़ना तेरे से। यस सर। तो मैं अभी स्टेट चैंपियन हूँ पिछले 2-3 साल से, फिर जोनल में भी मुझे ब्रॉन्ज मिला, अभी नेशनल लेवल में 2 गोल्ड मिला, 1 सिल्वर मिला और फिर 1 ब्रॉन्ज और 1 क्वार्टर फाइनलिस्ट। तुम्हारा इंस्पिरेशन कौन है? मेरा इंस्पिरेशन पीवी सिंधु और ताइजिंग है। जो हमारा कश्मीर का मतलब कल्चर है, तो जैसे रूफ डांस है आपने देखा होगा, तो आपको वो कैसा मतलब लगता है? बहुत ही अच्छा है। और किसी ज़माने में तो कश्मीर और सूफी संगीत ये दुनिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था। और जब मैं अफगानिस्तान गया तो मेरा एक कार्यक्रम था, तो उसमें वो लोग कुछ संगीत का कार्यक्रम रखा था, वो भी इसी वाद्य को बजाते थे और मुझे उन्होंने बताया कि हम कश्मीर से, हमारी यहाँ ट्रेडिशन आई हुई है। आज का दिवस किस बात के लिए याद किया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म। और इसको आज भारत सरकार किस रूप में मानती है? पराक्रम दिवस। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चीते जब दाना लेके चलती है तो चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों पे साहस बढ़ता है, चल के गिरना गिर के चलना ना खलता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती।